हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति प्रिया टीवी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था DIY लहंगा को लेकर, जिसमें कि मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे मेरी फ्लैट बेली के लिए। तो मेरे काफी सारे व्यूअर्स और प्रीति बल्टन ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपना सीक्रेट डिस्क्लोज करूं कि कैसे मैं अपने फिगर को मेंटेन रखती हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपने बेली फैट को बर्न करने की कुछ बहुत ही बेहतरीन सी एक्सरसाइजेस। आज हमने बहुत गप्पे शप्पे मार लिए, तो चलिए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। Hey guys, तो एक्सरसाइज से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है वार्म अप करना। इसके लिए आपको 1 से 2 किलोमीटर वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। और मैं भागती हूँ कम से कम 2 से 3 किलोमीटर, तो लेट्स रन। अब वार्म अप के बाद करेंगे हम क्रंचेस। इसके लिए सबसे पहले एक योगा मैट लें और उस पर लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लें और पीठ और जमीन के बीच में थोड़ा सा गैप हो। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने सर के पीछे इस तरीके से ले जाएं। और अब हम अपने हाथों की मदद से अपने सर को उठाकर क्रंचेस करेंगे। आप हर एक्सरसाइज को 30 सेकंड जरूर दें, और अगर आप एक्सरसाइज पहली बारी कर रहे हैं तो आप इन्हें 10-10 के सेट में करें। इस एब्डोमिनल क्रंचेस को करने से आप महसूस करेंगे कि आपके पेट में थोड़ा सा टेंशन हो रही है। इस टेंशन का मतलब है कि आपके उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर असर पड़ रहा है। इस एब्डोमिनल क्रंचेस को करने से आपके बेली फैट को बर्न होने में बहुत ही मदद मिलती है। और याद रहे कि एनर्जी रिकवर करने के लिए आप कम से कम 10 से 15 सेकंड का रेस्ट जरूर लें। तो अब हम करेंगे अप एंड डाउन प्लैंक। इसके लिए वीडियो में दिखाए अनुसार आप पोज ले लें। अब अपनी हथेलियों पर अपर बॉडी का प्रेशर देते हुए आप अपने पैरों को पीछे की तरफ को ले जाएं। अब जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है, उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को आप 30 सेकंड तक के लिए करें। प्लैंकिंग बेली फैट रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही असरदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसे करने से न केवल आपका बेली फैट रिड्यूस होता है, बल्कि आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो टोन अप होते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है और आप रहते हैं दिन भर एक्टिव। याद रहे कि हर एक्सरसाइज को करने के बीच में कम से कम 20 सेकंड का गैप आप जरूर लें। और अब बारी आती है पहाड़ों पर चढ़ने की, तो अब हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग। इसके लिए भी आप सबसे पहले प्लैंक पोजीशन पर आ जाएं, जैसे कि पिछली वाली एक्सरसाइज में आपने पोजीशन ली थी। और इसके लिए अपनी गर्दन और बैक को सीधा रखें। अब जिस तरीके से हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, उसी तरीके से आप अपने पैरों को एक एक करके आगे की तरफ लेके आएं। ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आप बस सॉन्ग चलाएं और मुझे फॉलो करते जाएं। इस एक्सरसाइज को करने से न केवल आपका बेली फैट रिड्यूस होगा, बल्कि अगर आपके थाइज में फैट है तो वो भी कम होने लगेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को करने लग जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगेंगे। तो अब बारी आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की, जो कि है रशियन ट्विस्ट। इसके लिए सबसे पहले आप इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल में बैठ जाएं, और अब अपने दोनों पैरों को आप अंदर की तरफ को फोल्ड करें। अब अपनी दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के लेफ्ट राइट की मूवमेंट करते रहें। ऐसा करने से आपके साइड बल्जेस पर असर पड़ेगा, जिससे कि आपके वहां का फैट बर्न होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सरसाइज करने से पहले आप शूज जरूर पहनें, क्योंकि मुझे आपको एक्सरसाइज की प्रॉपर पोजीशन बतानी थी, इसीलिए मैंने शूज अवॉइड किए। तो ये थी हमारी आखिरी एक्सरसाइज, और अब आपको इसके बाद करना है रेस्ट। फिटनेस के लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है, और अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ही आलस बढ़ जाता है, जो कि तरह तरह के बीमारियां जो होती हैं उनको इनवाइट करता है हमारी बॉडी में। इसीलिए आप वर्कआउट के लिए कम से कम एक दिन में 10 मिनट जरूर निकालें। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप इन एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में लाएं, और एक ही हफ्ते के अंदर आपको अपना बेली फैट कम होते हुए नजर आएगा। अगर आप कभी एक्सरसाइजेस से बोर हो जाओ या आपको लगे कि नहीं, ये मेरे से डेली नहीं हो सकता है, तो आप अपना फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग सुनें। ऐसा मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का बहुत ही स्पेशल सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे और भी यूनिक एंड डिफरेंट वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, आप वीडियो पर पहुंच जाएंगे। फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।